गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों से मेरी तबीयत थी ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं रीडिंग लेकर आई। बाहर भी हूँ और इस वजह से भी थोड़ा सा था कि मैं नहीं कर पा रही थी, बट मैं लेकर आ गई हूँ। और यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है, मेरी कोई मर्ज़ी है भी नहीं, ठीक है। और 11:11 मेरे सामने पॉप अप हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो यूनिवर्स कह रहे हैं यस, अब टाइम आ गया है कि अब रीडिंग होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं 11:11 पोर्टल से लेके हम रीडिंग करते हैं, ओके? तो 11:11 पोर्टल पर, ओ गॉड, एक सेकेंड गाइस। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आपके पार्टनर की 11:11 की रीडिंग। क्या आपके पार्टनर की एनर्जी थी? चलिए, ओके। काफ़ी पावरफुल ये पोर्टल होता है मैनिफेस्टेशन का। जो भी आप अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होता है। यूनिवर्स का जो गेट है ओपन हो जाता है 11 डेज तक, ओके। तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, ओके, एनर्जी ओरेकल्स, ओके, अटैचमेंट, पेशेंस, ओके, Shadows of the Moon, Yin and Yang, Twin Flame, yes, काफ़ी सोच रहे थे आपके पार्टनर आपके बारे में 11:11 पोर्टल पर। और ये काफ़ी पावरफुल एनर्जी होती है उस टाइम पे, तो ये एनर्जी तो थी भाई, है ना? तो इसमें क्या है, आपके पार्टनर क्या पेशेंस रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने टोटली पेशेंस रखा हुआ है। अटैचमेंट यानी कि आपसे काफ़ी अटैच हैं वो, ऐसा नहीं, उनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी आपको लेकर, आपके थॉट, आपके लिए जो उनका जो थॉट प्रोसेस था उसको लेकर कहीं ना कहीं चेंज तो आया है गाइस, मैं सही बता रही हूँ आपको, ठीक है। पेशेंस उन्होंने रखा हुआ है, हीलिंग उनकी चल रही है, बैलेंस उनके एंजल्स बैलेंस का कार्ड ये भी है, यानी कि एनर्जीज को बैलेंस करना की करने की एनर्जी है, और एंजल ऑफ बैलेंस ये भी है। गाइस मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि जगह इतनी है, तो मैं थोड़ा सा आप मेरे साथ एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बैलेंस तो हो रहा है आपके पार्टनर में, कहीं ना कहीं बैलेंस तो दिख रहा है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं बताऊँ, ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी अगर मैं बताऊँ, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है गाइस, क्योंकि कार्ड भी ये एंड यंग का आया है, ये वाला कार्ड आया है, ठीक है ये, ओके। आपके पार्टनर बहुत काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, ओवर थिंकिंग यानी चल रहा है उनका, काफ़ी चल रहा है, जो आपके बारे में एक पॉजिटिव थॉट रही है उनकी 11:11 पोर्टल से, क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन होता है, एक गेट ओपन हुआ है। यूनिवर्स, एंजल्स, सारी जो कायनात की शक्तियाँ मैं बोलती हूँ, वो उन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंस जो है आपके पार्टनर जो है उनके अंदर काफ़ी पेशेंस होता है, और ये जो पेशेंस है वो उन्होंने काफ़ी रखा हुआ है, पेशेंस उसके अंदर उनके अंदर काफ़ी है, ठीक है। और ये जो पेशेंस है ये ही उनको हील कर रहा है, ओके। तो जो उनकी सोच है ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती जा रही है, ठीक है, हो समझ रहे हो मेरी बात? एंजल्स भी उनके अंदर बैलेंस लेके आ रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस, तो 11:11 पोर्टल पर जो 33 नंबर है, 33, ठीक है, एंड 24, यानी कि वो अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, फोकस कर रहे हैं, है ना, मल्टीपल टास्किंग जो होती है ना, कि इधर भी है, काम भी है, आपके बारे में भी सोचना है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उनके सारी इकट्ठी उनके दिमाग में चलती हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं उनको एक फोकस करने की, एक एक अपने जो वर्क एरिया है उन पर अभी उन पर उसी पर सॉरी उसी पर फोकस्ड है वो, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में आप चलते रहते हैं उनके, जैसे सुबह उठे या रात को सो रहे हैं, सोते वक्त, है ना, जैसे सोते हैं ना तो उस टाइम आपको याद करेंगे, सुबह उठेंगे तो फिर आपको आपकी याद आएगी, तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ओके। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, ऐसा नहीं है, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए अपने घर वालों से कहीं ना कहीं बात करते नज़र आ रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, यानी कि मेंटली बहुत ही ज़्यादा शांत है वो, जो मेंटली डिस्टर्ब रहते थे वो नहीं है अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। स्पिरिचुअली उनकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती दिख रही है मुझे यहाँ पर,
ओके, टैरो से देखती हूँ आपके लिए ऑप्शन लेंगे, क्या लेंगे आप? 11 11 पोर्टल के बाद क्या एक्शन लेंगे? ओके, तो एक कार्ड ही आया है, तीन कार्ड दिए हैं। वाव, तीन कार्ड दिए हैं, द सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी तरफ आ रहे गाइस, काफ़ी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो आपको यानी कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ से जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं वो। ये परेशानियाँ हैं काफ़ी उनके टाइम अभी। सॉरी गाइस, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, अभी क्या है कि काफ़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, है ना? 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है काफ़ी अपनी तरफ, ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, फैमिली की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, फैमिली का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की वो भी निभा रहे हैं वो एक तरह से। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर जो है अभी हैंगमैन है, अभी इस पोजिशन, अभी इस ये जो पोजिशन है इसमें है। क्या है, अभी वो सोच रहे हैं कि भाई ये वक्त जो है, जो भी परेशानी जो चल रही है, ये धीरे धीरे निकलेगा, तो मैं आपसे रिकन्सिलिएट, यानी कि रिकन्सिलिएशन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कंफ्यूजन में भी है, काफ़ी कंफ्यूजन में है, लेकिन रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। आपसे बात करेंगे आगे, है ना, लेकिन कैसे करेंगे? पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, उन्हीं डीएफ की एनर्जी है जो मेरे व्यूवर्स अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ही ये एनर्जी आएगी, तो ही आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है, जो लोग अपने सोलमेट की वेट कर रहे थे कि कोई हमारी लाइफ में आए, तो 11 11 पोर्टल जो आया है, ये जो गेट खुला है, ठीक है, एक तरह से रोमांटिक वाली जो फीलिंग्स मेरे को यहाँ पर आ रही, कोई ना कोई आपका जो सोलमेट है वो आपके लिए आपके लाइफ में एंटर करेगा अभी, ठीक है। अब बहुत स्पीड यानी कि काफ़ी ऑनलाइन आप मिल सकते हैं गाइस, ठीक है, ऑनलाइन आप ज़रूर मिलेंगे, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो सिंगल है, जो देख रहे हैं कि कोई हमारी लाइफ में आए, ठीक है गाइस। मैं इसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप कर दीजिए रीडिंग, तो मैं इसे रहा नहीं गया, और मेरा भी बहुत मन था कि आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं मेरा, आई एम सो सॉरी, बट क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, आप समझ सकते हो कि तबीयत जब ख़राब होती है, बोला नहीं जा रहा गले से, तो मैं क्या आपको बोलूँगी ना। ओके, ये बात थी, तो परेशान मत हुआ कीजिए आप लोग। टू ऑफ वॉन्ट्स यानी प्लानिंग कर रहे हैं आप लिए, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं काफ़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, बता रही हूँ मैं आपको। प्लान तो कर रहे हैं, आपके तरफ जो ब्रिज बन रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग बनेगा, यानी कि टूटेगा नहीं, उस ब्रिज पर आप कभी भी चल के इधर आ सकते हैं, कभी भी चल के आपके पार्टनर उधर जा सकते हैं। ओके, समझिए, तो जो भी लड़ाई झगड़े थे, जो भी आपके बीच में आपके पार्टनर के साथ मन मुटाव थे, जो भी परेशानियाँ थी, सब खत्म होंगी गाइस, ये जो भी लड़ाई झगड़े, सॉरी ये हिल रही है फोन हिल रहा है, पर ध्यान मत दीजिए, रीडिंग पर ध्यान दीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, देखिए बहुत इमोशनल है, जो भी लड़ाई झगड़े थे आपके साथ वो सारे निपटा रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि मेरे साथ जो पास में लड़ाई झगड़े, अभी रिसेंट भी अगर आपके बीच में कहीं कुछ हुआ है, बातचीत हुई है, और बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है या लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो बिल्कुल वो अब आपके लिए ऐसा अच्छा सोच रहे हैं, और वो लड़ाई झगड़े भी इसलिए होंगे कि वो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपके बीच में खटपट हुई है ज़रूर, मेरे को ये एनर्जी आ रही है, पक्का हुई है, बताना मुझे। ओके, तो ये लड़ाई झगड़े अब वो नहीं सोच रहे हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और आपके बारे में सोच रहे हैं, यार इमोशनल है वो आपके लिए, आप इतना लड़ो मत मेरे व्यूवर्स, मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि आपने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, प्लीज़ उनको टाइम दीजिए। ओके, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, वट आउट द डेक, आपकी विश पूरी होगी और वो एक्शन लेंगे, एंड एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, काफ़ी पैशनेट है आपकी तरफ बिल्कुल, और ये एनर्जी है गाइस, आपकी विश पूरी होगी। ओके, चलिए, बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की, और अभी आपके जो पार्टनर है और आपके बीच में क्या चैलेंजेस हैं अभी फिलहाल देखते हैं। ओके, माइकल, क्या चैलेंजेस हैं?
प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो रिकंसिलिएशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बट वेट वेटिंग वाली एनर्जी तो देनी ही नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं देना है। और बहुत से लोगों के जो ड्रीम में अजीब से वियर्ड से ड्रीम आ रहे होंगे आपको, तो वो हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं इमोशनली। वो आपके अंदर जो देखो क्या है ब्लॉकेज, क्या है आप वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, यही चैलेंज आपको, मतलब कि यही ऑब्स्टिकल है एक तरह से, चैलेंज बताऊँ तो। पाँच नंबर है, पाँच नंबर क्या आता है, मन आपका चंचल रहता है, आप कभी तो लेट गो कर देते हो, चलो ठीक है मैं अपनी ग्रोथ कर रही हूँ कर रहा हूँ, चलो मैं अपनी तरफ काम कर रहा हूँ, चलो मैं छोड़ता हूँ, जब वो बात करेगा या करेगी तो कर लूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपका दिमाग चलने लगता है, चरखी की तरह घूमने लगता है। क्या कर सोचते हो आप यही सोचते हो कि भाई जल्दी से कॉल कर ले, कैसा है ये, कैसा निर्दयी है, कैसा पत्थर दिल इंसान है जो बात ही नहीं करता है, और मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो ब्लॉकेज आपने क्रिएट कर रखा है अपने पार्टनर और आपके बीच में, ये ही तोड़ना है, ये ब्रेक करो। कैसे? लेट गो, पेशेंस, वेट नहीं करना है, ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, ज़्यादा मिस नहीं करना है, अपनी एनर्जी को अपने काम में अपने अपने ऊपर ध्यान दो, मतलब मींस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, ओके। और आप समझदार हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अपने पर ध्यान देना मीन्स अपनी अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए यार, ठीक है, उनको स्पेस दीजिए। ये भी द चैरियट का कार्ड है, ट्रम्प 7 आपके साथ वो आएंगे यार। चैलेंज आपका यह है कि आप बहुत वेटिंग वाली एनर्जी में, बट वो आ रहे हैं आपकी तरफ, आना चाहते हैं, बट आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे, यही कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेज हटाइए। कन्फर्म हो गया, ओके। और ये आ गया आपका पेशेंस, बॉटम ऑफ द डेक। मैं क्या कह रही हूँ, पेशेंस तो रखना ही है, यही आपके अंदर कमी है कि आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। और फिर क्या हो रहा है, ये देखिए डिसरप्शन, यानी कि टावर मोमेंट, यानी कि आपके बीच में लड़ाई है, झगड़े, ये सब होता है। फिर बातें होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर बातें होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, ये टावर मोमेंट चलता रहेगा। पेशेंस रखना है, वेट नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लानी है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ लाइफ लॉन्ग आपको एक बॉन्ड स्ट्रांग बनाना है। तो भाई साहब आपको पहले बता दूं मैं, ये जो स्ट्रांग बॉन्ड बनाना है आपको, तो आपको अपने पार्टनर का और आपका, अपने एक दूसरे के परसेप्शन का ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखते हुए, दोनों के पर्सपेक्टिव को देखते हुए एक दूसरे से क्या करना है, एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाना है, यानी कि दूसरों एक दूसरे के परसेप्शन को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। एक दूसरे की चीज़ों को समझना है, मींस अगर मैं बताऊं, ठीक है, एक कार्ड और निकालती हूँ, क्या निकालूंगी मैं, अपने आप से निकाल रही हूँ आपके लिए कलेक्टिव में। प्लीज़ आप मुझे माइकल प्लीज़ मुझे दीजिए आप कार्ड, ये दे रहे हैं, बिल्कुल। आप दोनों को अपनी पावर में आना है गाइस, आपको अपना कर्मा क्लिंजिंग करनी है, अपनी दोनों को अपनी पावर में आना है। डेस्टिनी आपकी है, ये काउंटर पार्ट आपका है, और ये बैलेंस यानी कि जस्टिस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ये गुड लक आपके साथ है, आपके काउंटर पार्ट इस पोजीशन में आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, ओके। द एम्परर की पोजीशन में ये बैलेंस यानी कि एक जस्टिस, एक साइकिल आपकी पूरी होने दीजिए, ओके। 10-10 आपको दिखता होगा, 11-11 तो बकायदा दिखता ही होगा अब तो, है ना, 444 वगैरह भी दिखता होगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी सॉलिट्यूड में है, आइसोलेशन में है, सोच रहे समझ रहे हैं यार, वो भी अपनी आपको अपनी विश समझते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी पावर में आना है, कर्मा क्लेंजिंग करो, कर्मा बैगेज जब तक आपका रिलीज नहीं होगा तो ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो कर्मा बैगेज तो रिलीज करना ही पड़ेगा गाइस। इनसे भी देख लेती हूँ क्या है, देखते हैं क्या आता है, ओके आते हैं माइकल प्लीज़, क्या आप बताना चाहते हैं इनसे, ओके देखते हैं क्या आता है। पावर में आइए, वेट नहीं करना है, और इमोशनली जो आप एक ड्रेन हो जाते हैं, मिसिंग वाली एनर्जी होती है अपने पार्टनर को देते हैं, वो भी आपके पार्टनर भी लो एनर्जी में चले जाते हैं फिर,
तो ये चीज़ें नहीं करनी है गाइस। ओके, द क्लाउड्स, देखो आपके पार्टनर के भी के अंदर भी दिमाग में भी कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न के बादल आप कैसे हटाओगे, यानी कि आप भी क्लैरिटी में रहोगे। मेरा पार्टनर है, मेरा ही रहेगा। अपनी ग्रोथ करो, बाकी यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपका उनसे क्या होगा, रीयूनियन पक्का होगा। ये मैं कह रही हूँ, यूनिवर्स की बात है, यूनिवर्स आ गए हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस ये काम करो तो सारे काम हो जाएंगे। अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। ये देखो क्या, ओ द ट्री, बिल्कुल एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। वो चीज़ें जब आप बैलेंस में लेके आओगे बेटा जी, तो आपके अंदर एक चेंज आएगा। कैसा? पॉजिटिव चेंजेस। ओके, पॉजिटिव चेंजेस जब आते हैं ना इंसान में, तो एक अलग ही रुख हो जाता है लाइफ में, एक अलग ही रास्ता दिखने लगता है, एक डायरेक्शन उसको मिलती है, एक क्लैरिटी उसको मिलती है, एक ठीक है अपनी ग्रोथ में, लव लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ों में उनको, आपको क्लैरिटी मिलेगी, चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आप प्रोटेक्टेड हो ऑल द टाइम, आप प्रोटेक्टेड हो अपने एंजल्स से, ठीक है, आप जो भी जिस भी ईश्वर का नाम लेते हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्टेड है। एक और लेंगे हम, द बियर। बिल्कुल आपको गुस्सा नहीं करना है ज़्यादा, अपनी ग्रोथ में ध्यान देना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, सबसे बड़ी बात। ओके, दूसरों को हार्म नहीं करना है बिल्कुल भी। द माउंटेन, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बट डटे रहना है, दृढ़ रहना है, ठीक है, और अपनी ग्रोथ करनी है, और बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है, अपनी डिसिप्लिन में रहना है, अपनी इनर वर्क में की तरफ ध्यान देना है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। द लेडी, बिल्कुल कोई ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में, या एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है, या आपकी फैमिली में हो सकती हैं, वो आपकी हेल्प करेंगी, वो आपको कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल समझाएंगी। या फिर एक एनर्जी और आई है बहुत ही प्यारी सी, कि जो भी मेल जेंडर लड़की के लिए देख रहे हैं कि मेरी सोलमेट या उनकी ट्विन फ्लेम, उनसे बात करें, तो हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट, आपके लिए कोई मैसेज, कॉल बिल्कुल आएगा कोई। हाँ, ये भी एक एडवाइस है आपको, दमाइस, तो कुछ आपको आसपास के जो लोग हैं हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी को लो करने की कोशिश करेंगे, ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आप लो हो जाएंगे, आपका कुछ मन नहीं करेगा करने को, आपका इनर वर्क करने को मन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है और अपने आप पर फोकस रहना है। ओके, तो उनको पहचानिए कौन है ऐसे लोग आपको हार्म कर सकते हैं आपकी एनर्जी को। दसन, बिल्कुल आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी गाइस, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। ओके, आपकी लाइफ में गिफ्ट आएगा यूनिवर्स की तरफ से, आपकी जो भी परेशानियां खत्म होंगी गाइस, ठीक है। तो यहीं तक है, बिल्कुल एंजल्स ने कहा अब समाप्त करो, समाप्त करो रीडिंग। सन का कार्ड है गाइस, ये सन आपकी लाइफ में आएगा और अच्छी एनर्जी है। अगर आप, मैंने जो भी गाइडेंस अभी दी है आपको, उस पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपका सब अच्छा होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके गाइस, तो पेशेंस रखना है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा गाइस, ट्रस्ट इज की एंड पेशेंस इज की, किसकी, टू सक्सेस। थैंक यू, अभी अभी मैं इतना ही बताऊंगी बस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय माता दी।